भारत में परंपरा के मुताबिक राखी की लाज का जिम्मा भाई पर होता है, पर 47 साल की प्रियंका गांधी वाड्रा पर अब ना सिर्फ अपने 48 साल के भाई के राजनीतिक भविष्य को बचाने का बल्कि 138 साल पुरानी कांग्रेस की लाज बचाने का भी जिम्मा है। क्या प्रियंका 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? क्या प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा पाएंगी? क्या नेहरू गांधी परिवार की राजनीति में आने वाली 12वीं सदस्य नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पीएम बनने से रोक पाएंगी? पावर सेंटर में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री के बाद क्यों राहुल गांधी ने कहा कि अब वो बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा के बाद विरोधी खेमे में तो जैसे खलबली मच गई है कि देश में ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है। जब पार्टी एक परिवार का एक्सटेंशन है तो ये पोस्टिंग अपने आप में कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सियासी गलियारों की चर्चाओं, सुगबुगाहटों और दबी हुई जुबानों के पर्दों से निकलकर प्रियंका गांधी वाड्रा अब देश के सियासी मंच पर सबके सामने आ गई हैं। वो अब कांग्रेस की महासचिव हैं। सियासत के मंच पर 47 साल की प्रियंका की एंट्री कांग्रेस में एक नए युग की तरह है। कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही राहुल गांधी हैं, लेकिन आज चर्चाओं में सबसे ज्यादा प्रियंका हैं। 31 अक्टूबर 1984 को जब दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित सरकारी बंगले पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून डाला था, तब उनकी पोती प्रियंका गांधी की उम्र महज 12 साल थी। उस वक्त प्रियंका सियासत की एबीसीडी भी नहीं जानती थी, लेकिन मौत से चंद दिनों पहले ही इंदिरा गांधी ने अपनी पोती प्रियंका के सुनहरे सियासी भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी। कहा था कि आपकी लड़की बहुत भाग्यवान होगी, देश को संभालेगी, देश का नेतृत्व। इंदिरा गांधी ने जो भविष्यवाणी 35 साल पहले की थी वो अब हकीकत के धरातल पर नजर आने लगी है। 23 जनवरी 2019 को जब राहुल गांधी ने अपनी छोटी बहन प्रियंका को कांग्रेस महासचिव के पद पर तैनात करने का आदेश जारी किया तो जैसे कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की बरसों की मुराद पूरी हो गई। कांग्रेस में अब प्रियंका समर्थकों का इंतजार खत्म हो गया है। 23 जनवरी को इसी कांग्रेस मुख्यालय से एक चिट्ठी बाहर आई और अशोक गहलोत के नाम जारी इस चिट्ठी में कुल 15 लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन इस चिट्ठी में 3 लाइनें ऐसी थी जिनका कांग्रेस के कार्यकर्ता बरसों से इंतजार कर रहे थे। इस चिट्ठी की 7वीं, 8वीं और 9वीं लाइन से ये साफ हो गया कि कांग्रेस में अब प्रियंका युग की शुरुआत हो गई। पिछले 100 साल के इतिहास में नेहरू खानदान से रिश्ता रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसी 12वीं हस्ती हैं जिसने देश के सियासी मंच पर कदम रखा है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके जो सियासी प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि डायनेस्टी को और आगे बढ़ाने के लिए आ गई, लेकिन मुझे लगता है एक बड़े मुश्किल वक्त पे प्रियंका गांधी आ रही हैं और उनको एक ऐसी जगह का दायित्व दिया जा रहा है, एक ऐसे राज्य का दायित्व दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश, यहाँ के कांग्रेस के करीबन बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने सियासी करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को उस जगह का प्रभार दिया है जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है। प्रियंका को देश के सबसे अहम सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में पूर्वांचल का रुतबा क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पूर्वांचल से आते थे और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वांचल से उठने वाली सियासी हवाएं देश की राजनीति का रुख तय करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 3 दर्जन लोकसभा की सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जहां लोकसभा में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासी जड़ें भी पूर्वांचल की धरती में ही जमी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुलायम की आजमगढ़ सीट को छोड़ बीजेपी ने पूरा पूर्वांचल जीत लिया था। ऐसे में प्रियंका के लिए पूर्वांचल की जंग आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में दो बड़े चक्रव्यूह हैं। एक चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी और बसपा का है जो लग चुका है, दूसरा चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उसमें से प्रियंका गांधी को निकालना है। इसलिए मुझे लगता है प्रियंका गांधी को अपने प्रूफ करने का ये समय है। कांग्रेस में प्रियंका की नियुक्ति भले ही 23 जनवरी को हुई हो, लेकिन पर्दे के पीछे से वो लगातार सक्रिय थी। दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद जब मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर खींचतान चल रही थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दिल्ली में 12 तुगलक लेन के बंगले पर प्रियंका ने 24 घंटे में दो बार दस्तक दी थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला राहुल गांधी को लेना था, लेकिन इस मुद्दे पर प्रियंका की दिलचस्पी ने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। बीते 13 दिसंबर को जब प्रियंका गांधी की गाड़ी राहुल गांधी के इस बंगले पर पहुंची थी, तो सियासी पंडित भी हैरान रह गए थे। बंगले के भीतर उस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नामों पर विचार हो रहा था, लेकिन प्रियंका के अचानक वहां पहुंचने से कांग्रेस के भीतर उनके बढ़ते कद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए प्रियंका नई नहीं है। यूपी की जनता और यूपी की सियासी हवा को प्रियंका बखूबी जानती हैं और पहचानती हैं, और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश से जुड़ी नेहरू गांधी परिवार की जड़ें। उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी वाड्रा का रिश्ता काफी पुराना है। प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी प्रियंका के लिए घर जैसे हैं। अगर प्रियंका रायबरेली अमेठी की बेटी हैं, तो वो मुरादाबाद की बहू भी हैं। मनोविज्ञान में ग्रेजुएट प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यक्तित्व है। प्रियंका गांधी युवा हैं, उनके बोलने का अंदाज, लोगों के साथ उनके घुलने मिलने का तरीका बाकी सियासतदानों से काफी हटकर है। उनका व्यक्तित्व युवाओं को अपनी ओर खींचता है। वो लंबे चौड़े भाषण नहीं देती, वो मंच से बड़े बड़े वादे नहीं करती, बल्कि वो आम आदमी से उन्हीं की बोली में बात करती हैं। प्रियंका के साथ कई बार अमेठी, रायबरेली में उनके बच्चों को भी देखा गया है। अपने बच्चों के साथ प्रियंका नेहरू गांधी खानदान की बेटी की तरह नहीं, बल्कि आम माँ की तरह नजर आती हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि खोज रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सियासत की पिच पर प्रियंका को अभी खुद को साबित करना बाकी है। प्रियंका भले ही साल 2004 से रायबरेली और अमेठी में प्रचार कर रही हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी डगर उनके लिए इतनी भी आसान नहीं है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में गली गली प्रचार किया था, लेकिन रायबरेली और अमेठी की कुल 9 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही प्रियंका ने अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली में प्रचार किया था। इस चुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन यहां प्रियंका के प्रचार से ज्यादा अहम राहुल और सोनिया की उम्मीदवारी थी, जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका अमेठी, रायबरेली में प्रचार के लिए नहीं आई, तो भी कांग्रेस 10 में से 2 सीटों पर जीत गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की जमीन पर प्रियंका की एंट्री से कितना फायदा होगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पुराने समर्थक हैं, उनमें थोड़ा उत्साह आया, जैसे राहुल गांधी के आने के बाद हुआ था, सोनिया गांधी जब 1998 में आई थी तब हुआ था, तो ऐसे एक उत्साह आ सकता है। लेकिन आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा व्यापक, ये अभी ऐसा लगता नहीं। उसके लिए धरातल पर बहुत काम करने की जरूरत होती है। देश के सियासी मंच पर प्रियंका की एंट्री ऐसे वक्त हुई है जब कांग्रेस करो या मरो की लड़ाई लड़ने जा रही है। प्रियंका की हाई प्रोफाइल एंट्री में चमक दमक तो है, लेकिन प्रियंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं के जोश को वोट में बदलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।